बिल्कुल। और इन लोगों को आजकल आपत्ति हो रही है कि प्रधानमंत्री की भाषा कैसी है। मैं देख रहा था ये गंजा जो है, ये प्रधानमंत्री जो है कि क्या ऐसी भाषा है आज। उसके बाद मैंने देखा कि ये लोग लाइन देते हैं, उसके बाद जो इसकी बिगड़ैल प्रवक्ता है, जो बदमिजाज प्रवक्ता है, वो करे 77 साल की एक महिला के लिए मोदी नाम लेकर के बोल रहा है। और देखिए ये आदमी क्या किस तमीज में और सनातन पे हम आप जो आएंगे किस तरह क्या गाली दे रहा है। और इस आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग भाषा की, उसी जगह पे मैं देख रहा था कि भाषा की मर्यादा पर अखंड गंजाओं का गैंग जो है वो तिथिर मिला रहा था। और उसके आका की कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुन्द्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहां पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। नरेंद्र मोदी कभी समुद्र के अंदर मतलब वो क्या कर रहे थे इस बदमिजाज में, मतलब सोचिए इसके लिए कादर किसको इतना न, ये आदमी न कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष है न कोई बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, ये कल रायबरेली जब गया तो पूरा टेलीविजन चैनल, ये किसी को भ्रम हो, आज प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कहा, आज मैं देख रहा था कुछ चिरकुट लिख रहे थे कि फलाना जो देश का सबसे पुराना चैनल है जो राज्यसभा चाह रहा था, वही चैनल जहां पर ये सालों जो है पाला पोसा गया था तिहार रिटर्न, वो एकदम से मोदी के खिलाफ मुहिम चला दिया और ये गंजाओं की गैंग चर्चा कर। अब मोदी मीडिया का मिजाज बदल रहा है, अब इन सबको लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया अब मोदी की तस्वीर नहीं दिखा रहा। ये विमर्श भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये भाषा की बात ये करता है, ये आदमी है कौन, ये क्या है जिसकी तुलना देश के, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत कम दिखाया जाता है, ये पारा कहता है। मनीष जी इसका सारा बुखार उतर जाएगा, इसकी सारा नशा उतर जाएगा। ये जिस तरह से बदतमीजी उस पर उतरा है कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, अगर मेरा सुझाव पहुंचे तो कल ही वो एक आदेश कर दे कि तत्काल 20 दिन के अंदर रायबरेली के अंदर हुए सुकन्या बलात्कार कांड की जांच एनआईए और सीबीआई को सौंपी जाती है, कल ये कर दीजिए, कल से सीबीआई और एनआईए सक्रिय हो जाए। अगर ये गधे के सिर से सींग की तरह गायब ना दिखे आपको तो जो दर्शकों को मजा आ जाएगा, पूरे देश को, कल इतना कह दे कि रायबरेली में जो सुकन्या हत्याकांड हुआ था उसकी जांच एनआईए और सीबीआई करेगी, देखिए फिर तमाशा। और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस सुकन्या वाले मामले की पुनर्जांच की बस पटरी खोल दी जाए। सुकन्या बलात्कार हत्याकांड, सुकन्या के साथ बलात्कार और सुकन्या के मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था सर, लेकिन बड़ी बारीकी से इस चीज को दबा दिया गया और एक भी अखबार इसे छाप नहीं पाया। नहीं नहीं मनीष जी, वो अपने ही आदमी से करा दिया गया, उस पर 50 लाख का जुर्माना लगा दिया गया, उसने जुर्माना भरा कि नहीं भरा, किसको भरा कि नहीं भरा, वो समाजवादी पार्टी का नेता था जिसपे ये जुर्माना लगा था, तो ये खेल बड़ा लंबा था ताकि दोबारा कोई पहुंचे ना, तो अब वो उसकी बात ही नहीं, क्या सच है क्या गलत है इसको छोड़ दीजिए, सरकार आदेश तो कर ही सकती है, ये है। तो कल अमित शाह को कल सवेरे उठकर सुकन्या बलात्कार और सुकन्या हत्याकांड, पहले बलात्कार उसके बाद हत्या हुई और पूरे देश में चर्चित हुआ ये कांड, सोशल मीडिया भरी पड़ी है, तो इसकी जांच एनआईए और सीबीआई को और टाइम बाउंड जांच दे कि इतने दिन के अंदर करके दो,